अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वह जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब के लिए कितना मुबारक दिन है, और आज के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा जुमा के दिन हम वैसे भी पढ़ते हैं, इन जनरल भी हम पढ़ते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन हम बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजे अपना सलाम, और खूब इबादत करें। स्पेशली अपनी हर नमाज के बाद आज खूब इबादत करें। कहते ना कोई ऐसा होता है जब हम कहते हैं ना आज तो अच्छा दिन है, इस दिन मैं मेरी मम्मी से या किसी से भी मांगूंगी तो वो मुझे शायद दिनों खाली नहीं जाने देंगे, तो आज वैसा ही दिन है। आज अल्लाह पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्के में हमें हमारी पता नहीं कौन सी दुआ आज मतलब सुन ही ले, तो कोशिश करें कि हम खूब दुआ करें, खूब इस्तगफार करें, खूब तौबा करें, और खुद के लिए भी और उम्मत के लिए मांगे, अपने दोस्तों के लिए मांगे, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मांगे, कारोबार में कि उनका आपसे जुड़ना आप दोनों के लिए बरकती हो, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, अपने मुल्क के लिए मांगे, पूरे जहां के लिए मांगे, जितनी भी परेशानियां पूरे दुनिया में हैं, आफतें हैं, जो लोगों पे मुसीबतें हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यू नो उनके लिए मांगे, क्योंकि अल्लाह जब मदद भेजते हैं ना तब वो ये नहीं देखते कि आप यू नो कौन हो, क्या हो, और आपके अंदर ईमान है कि नहीं, बट अल्लाह हर जुल्म करने वाला जो होता है कभी उसके साथ नहीं होते, इतना याद रखना, और जुल्म सहने वाला चाहे कोई भी हो अल्लाह हमेशा उसके लिए मदद भेजता है। तो हम कोशिश करें कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें जो क्या क्या नहीं हो रही है अल्लाह उस पर अपना यू नो उसके लिए अपनी मदद भेजे, और हमें भी सिखाए कि हमें एक बेहतर इंसान बनना चाहिए।